डीलिंग का, तो का पाकिस्तान में भारत में जो लिबरल तबका है ना वो कहता है की जी अगर पाकिस्तान और भारत की आपस में दोस्ती हो तो इन दोनों ममालिक दोनों ममालिक को किसी दूसरे मुल्क की जरूरत ही नहीं है आपस में अपनी सारी जरूरिया पूरी कर सकते हैं अपनी एक्सपोर्ट बढ़ा सकते हैं कह रहा है वर्ल्ड बैंक क्या हमें इंडिया अलाउ करेगा इंडिया हमें नजदीक भी घुसने देगा भारतीय हुकूमत की तरफ से पाकिस्तानी मसनुआत पर 200 सौ फीसद ड्यूटी आयद किए जाने के बाद देखो ये वो मुल्क है जहां फॉरवर्ड और इंसाफ स्लो मोशन में भी नहीं है वो फरत था इधर पूरी कौम सरतापा फरियाद है जब तक हिंदुस्तान जो पांच अगस्त को उन्होंने कदम उठाया था कश्मीरियों के ऊपर जब तक वो उसको रिवर्स नहीं करता किसी किस्म की नॉर्मलाइजेशन नहीं हो सकती पारी सारी डुबो दी हमने मैं बात आपको बताने लगा था 2019 में जब इंडिया ने थ्री सेवन फाइव में रिवोक किया तो पाकिस्तान की हुकूमत ने जज्बाती होकर कहा हमने इंडिया से कोई कारोबार नहीं करना अब सवाल ये कि इसके नतीजे में आवाम दादा रगड़े में लोग रगड़े में आएंगे या हमारे अलीट हुक्मरान रगड़े में आएंगे मुल्क के अंदर से अवन वक्कून है मतलब यहाँ पर गुरबत का खत्म हो चुका है यहाँ पे जो है दूध और शहद की नहरें बह रही हैं ये क्या फेक न्यूज नहीं है मतलब कहते हैं ना कि डूबते को तिनके का सहारा आज हम पार्टनर्स ढूंढ रहे हैं आज हम सऊदी अरब को कहते हैं पाकिस्तान में पैसा लगाओ आज इंडिया ने पाकिस्तान के अंदर पैसा लगा देना था क्या मुकेश अंबानी मित्तल जिंदल टाटा बिरलाज ये पाकिस्तान में पैसा ना लगाते नीयतें ठीक हुई वरना मैं एक और बात सोचता हूं कि इसके बाद भी अगर इसके बाद भी अगर तो फिर बेचोगे क्या मैं पंजाब से ताल्लुक रखता हूं। खैबर पख़्तूनखा के लोग अफगानिस्तान से कारोबार कर सकते हैं उनके बॉर्डर तो खुले हैं लेकिन मेरा बॉर्डर तो बंद है इंडिया के साथ इंडियन पंजाब के साथ राजस्थान के साथ गुजरात के साथ बाकी पूरी की पूरी पट्टी जो है मुझे तो सजा मिल गई ना कि वो लोग जिनसे मैं कनेक्टेड था जिनसे मेरा मेरा खून का रिश्ता था नमस्कार दोस्तों जय हिंद जैसा कि आपने क्लिप में देखा पाकिस्तान के फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा कि भारत ने पाकिस्तान प्रोडक्ट्स पे 200 परसेंट की ड्यूटी लगा दी है इसके बाद जो पाकिस्तान के बिजनेसमैन अपनी गवर्नमेंट से भारत से ट्रेड करने की सिफारिश कर रहे थे अब वो पॉसिबल नहीं लग रहा है इस न्यूज के आने के बाद ही पाक मीडिया तिलमिला उठा और बोला भारत क्यूँ न लगाए हमने भारत को दिया ही क्या है भारत ने हमें एफ यानी मोस्ट फेवरेट नेशन का स्टेटस दिया था क्या हमने भारत को दिया था आज भारत ऐसी हमने ट्रेड बंद नहीं किया होता तो आज सऊदी चाइना ऐसी इन्वेस्टमेंट की भीख नहीं मांग आज भारत से अम्बानी अदानी टाटा पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट खुद करते आज हमें ऐसे ठोकरों की जिंदगी नहीं जीनी पड़ती हमारा क्या कसूर था भारत से हमारा खून का रिश्ता था हमें हमारी स्टेब्लिशमेंट और गवर्नमेंट ने मिलकर बर्बाद कर दिया आज भारत नहीं चाहता है की वो हमसे ट्रेड शुरू करे भारत आज दुनिया का पांचवी सबसे बड़ा इकोनॉमी वाला देश बन गया और आज हमारा देश आई एम एफ की वजह ऐसी चल रहा है भारत के तीन सौ सत्तर धारा कश्मीर ऐसी हटाने के बाद ही पाकिस्तान ने भारत को जवाब देने के लिए भारत ऐसी ट्रेड बंद किया था पाकिस्तान भूल गया या फिर पाकिस्तानियों को नॉलेज नहीं होती है

और इस वजह से अब हम भारत के साथ किसी किस्म का कारोबार नहीं कर सकते और ये इस वजह से हुआ क्योंकि अगर आपको याद हो कि देर वॉज ए सुइसाइड अटैक ऑन इंडियन सोल्जर्स इन फेबरी 2019 जिसमें 40 जो सी के जो जवान थे वो अपनी जान से चले गए लेकिन क्वेश्चन ये आता है कि ये जो दो सौ परसेंट ड्यूटीज इंडिया ने लगाई हैं वो क्यों लगाई हैं जिस इंडिया ने पाकिस्तान को मोस्ट फेवरेट नेशन स्टेटस का खिताब दिया कि जी हम पाकिस्तान को वो कौम समझते हैं वो मुल्क समझते हैं जिसके साथ हम कारोबार कर सकते हैं मजे की बात यह है कि अब भारत पाकिस्तान से कारोबार नहीं करना चाहता पाकिस्तान से वो कारोबार इसलिए नहीं करना चाहते क्योंकि डॉक्टर जयशंकर ये कह रहा है देर कैन नॉट बी ट्रेड इन द डे एंड टेररिजम एट द नाइट That is is what the central question which Indian leadership is raising with Pakistan कि आप दिन में हमारे साथ कारोबार करते हैं कि कश्मीर का जो स्टेटस है जो कश्मीर का स्टेटस है उसको वैसे माने जैसे हम कहते हैं और पाकिस्तान कहता है अब हम ये करने को तैयार नहीं है सो पाकिस्तान के पास कोई ऑप्शन नहीं रह जाता कि अगर हम इंडिया के साथ ट्रेड नॉर्मलाइजेशन करने देते हैं तो इंडिया की टर्म्स एंड कंडीशन पे करेंगे और ये जो जो पाकिस्तान की बिजनेस कम्युनिटी बार बार पाकिस्तानी हुकूमत को दे रही है कि इंडिया से कारोबार करो इंडिया से कारोबार करो उस हवाले से डॉक्टर जयशंकर ने अगले दिन इंडियन कम्युनिटी को सीधा बता दिया कि भाई हम पाकिस्तान के साथ कारोबार नहीं करने जा रहे अब अगर पाकिस्तान की हुकूमत ने 2024 में 23 में सोचा है कि जो जो ट्रेड है दैट शुड बी देंट्रल ऑफ रिलेशन बिटवीन द कंट्रीज लेकिन हमने 1947 में से लेके बीच में छिहत्तर साल गुजर गए हमें कभी ख्याल ना आया कि भारत ने दुनिया की पांचवी बड़ी इकोनॉमी जाना है हमें इसे कारोबार करना चाहिए इसी भारत के जरिए हम बांग्लादेश जा सकते थे इसी भारत के जरिए हम नेपाल जा सकते थे इसी भारत के ज़रिए हम श्रीलंका तक हमारी गाड़ी जा सकती थी भाई यहां से चलते आप लाहौर से और सारा इंडिया क्रॉस करते एंड देन पहुंच जाते श्रीलंका अगर वहां पे ब्रिजेस बने होते इंफ्रास्ट्रक्चर होता पहुंच जाते आगे हम कहीं और सो so क्वेश्चन ये है कि क्यों हमने ये सारा किया आज हम पार्टनर्स ढूंढ रहे हैं आज हम सऊदी अरब को कहते हैं पाकिस्तान में पैसा लगाओ आज इंडिया ने पाकिस्तान के अंदर पैसा लगा देना था क्या मुकेश अंबानी मित्तल जिंदल टाटाज बिरलाज ये पाकिस्तान में पैसा ना लगाते जो पूरी दुनिया के मुल्कों में लगा रहे हैं क्या उनको यहां पे मार्केट नजर नहीं आती बिल्कुल आती हम जाके सऊदी अरब को कह रहे हैं कि प्लीज आ जाए मुसलमान है ना भाई आप कारोबार मुसलमान होने की बेसिस पे नहीं करते अभी एक वर्ल्ड बैंक की रिसर्च आई जिसमें उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की एक्सपोर्ट जो है वो 80 फीसद इनक्रीज हो सकती है अगर हम इंडिया के साथ ट्रेड नॉर्मलाइजेशन कर लें 80 फीसद पाकिस्तान की एक्सपोर्ट ये मैं नहीं कह रहा ये वर्ल्ड बैंक कह रहा है मुझे ये बताए मेरा क्या कसूर है मैं पंजाब से ताल्लुक रखता हूं खैबर पख्तूनखा के लोग अफगानिस्तान से कारोबार कर सकते हैं उनके बॉर्डर तो खुले हैं लेकिन मेरा बॉर्डर तो बंद है इंडिया के साथ इंडियन पंजाब के साथ राजस्थान के साथ गुजरात के साथ बाकी पूरी की पूरी पट्टी जो है मुझे तो सजा मिल गई ना कि वो लोग जिनसे मैं कनेक्टेड था जिनसे मेरा मेरा खून का रिश्ता था जिनसे मेरा ताल्लुक था जिनसे मैं मेरी आबाओ जदाद मेरी नस्लों का ताल्लुक है वो नाइनटीन फोर्टी सेवन उधर रह गए हम इधर रह गए मैं तो कट ऑफ हो गया बाकी इस्लाम के नाम पे जो आपने बॉर्डर जिंदा रखे हैं वो जिंदा रखे हैं मुझे सिर्फ एक बात बताएं आप पहले ऐसी सदाओं ने कौन से सहरा सर सब्ज कर दिए थे जो कोई तब्दीली आएगी ये चूंगे रहे सौदा नहीं दूसरी तरफ आपकी पैदाइश से बहुत पहले उसका कत्ल हुआ था शाही के लाहौर में देखो ये वो मुल्क है जहा जराय फास्ट फॉरवर्ड और इंसाफ स्लो मोशन में भी नहीं है वो फरहा था इधर पूरी कौम सरतापा फरियाद है कहते हैं ना कि डूबते को तिनके का सहारा आप कर लो करोगे मेरे कहते करना है तुसी। अगर नीयतें ठीक हुई वरना मैं एक और बात सोचता हूं कि इसके बाद भी अगर इसके बाद भी अगर तो फिर बेचोगे क्या सिर्फ एक बात का जवाब दे दें मुझे इसको जहन में रखते हुए इस तरह की बातों को जहन में रखते हुए स्ट्रेटजीज बनाओ अखलाकियात और इकतसादियात के अलावा तीसरा कोई असाचा नहीं होता याद रख। पाकिस्तान ने जब भारत से ट्रेड बंद किया था तो उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने भारत से कहा था कि जब तक भारत कश्मीर में 370 नहीं लगाएगा तब तक हम ट्रेड नहीं करेंगे आज पाकिस्तान की हालत इतनी खराब हो गई कि अब पाकिस्तान अपने ही बातों से पीछे हट रहा है और भारत ने पाकिस्तान को साफ बोल दिया है की अब कश्मीर तरक्की की राह पे चल रहा है अब बात होगी तो सिर्फ पीओके पे पीओके खाली करो उसके बाद ही कोई बात होगी अब तो पीओके के लोग भी पाकिस्तान का पार्ट बनकर नहीं रहना चाहते अब तो भारतीय झंडा भी पीओके में लहराता जगह जगह दिख रहा है आपको इसके बारे में क्या है क्या भारत को पाकिस्तान से ट्रेड शुरू करना चाहिए आप नीचे कमेंट करके बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही जय हिंद